ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक होंगे? एक बार कमेंट में लिखिए कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो मैट्रिक्स की भी देख लें, और आज हम जो है डिटरमिनेंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, एक्सरसाइज 4.1 और प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो आप सब जो है कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, जो जो चीज़ आपको नोट्स लिखना हो लिखते चलिए, और सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस दे दो अभी, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो डिटरमिनेंट्स, अभी हम जो है पिछले चैप्टर में मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आपने सारा कुछ देखा, किस तरीके से लिखते थे। मान लो कोई ए मैट्रिक्स होती थी, उसे 1, 2, 3, 4 उसके अंदर के एलिमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि मैंने कोई इक्वेशन लिखी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक है। दिख रहा है ये a1x है, यानी x के साथ जो कोफिशेंट है a1 है, y के साथ b1 है, और ये c1 अलग कोफिशेंट है, कांस्टेंट है मतलब। फिर a2x, एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, a2x b2y, और एक इक्वेशन ये लिख ली। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को डिटरमिनेंट की फॉर्म में, यानी कि पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? a1 b1, a2 b2, बिल्कुल ऐसा कैसे लिख दिया, जैसे सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट ले लिए a1 b1 a2 b2, ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। उसके पास हमारे पास दो वेरिएबल है निकालने के लिए, x और y, यही तो है, x और y इक्वल टू, बाहर क्या है, इक्वल टू के बाहर कौन कौन से कॉन्स्टेंट है, c1 और c2। हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। अगर हम सिंपल इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें तो इजीली आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं x और y, और निकाल लोगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें x और y निकालने हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के, और इसका डिटरमिनेंट हम जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई तो हम अगली वाली एक्सरसाइज में, जब 4.3 या फिर 4.4 आगे पढ़ेंगे ना, उसमें निकालेंगे। अभी तो आपको मैं डिटरमिनेंट समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। नाउ ये जो पूरा सिस्टम है इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और हमको जो यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे, मैं एक चीज लिख लेता हूँ, नाउ दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं साथ के साथ ही, सॉल्यूशन और नॉट। हमें ये चीज फाइंड करनी है कि क्या इसका इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं, यानी इसकी एक्स और वाई की कोई वैल्यूज फिक्स आएंगी कि नहीं, ठीक है। वो चीज हमें देखना है, मतलब यूनिक जो सॉल्यूशन है वो होगा या नहीं। अब कैसे फाइंड करेंगे हम, डिटरमिनेंट की हेल्प से। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो बॉक्स है, ये जो पूरा जिसे मैंने सर्कल किया है, इसकी हेल्प लेता हूँ। मैंने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई की ये वाली चीज, यानी कि a1 b2 माइनस b1 a2, a1 into b2 b1 into a2, और बीच में माइनस का साइन है। अगर ये वाली वैल्यू, एक मिनट रुकिए, अगर हमारी ये वाली वैल्यू जो है a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू हमारी a1 b2 माइनस b1 b2 की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम था एक्स वाई की वैल्यूज जो थी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ,
सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसी की हेल्प से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। कैसे, देखिए जो मैट्रिक्स है हमारी A1, मान लो मैं A1 ले लेता हूँ, A1, B1, A2 और B2, ये चीज़ ले ली मैंने। इसका जो पोर्शन था ना, ये जो मैट्रिक्स था, मैंने इसका यूज़ किया, लेट ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें डिटरमिनेंट की डेफिनेशन किस तरीके से पता लगेगी इससे, और हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये द नंबर, आप ये चीज समझिए, द नंबर A1B2 माइनस B1A2, ये जो नंबर है हेल्प अस टू डिटरमाइन द यूनिकनेस। ये चीज समझ में आ रही है, यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की यूनिकनेस, यानी जो वेरिएबल हम फाइंड कर रहे थे हमने इसकी हेल्प से करी, कि अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, और इसी चीज का जब हम सॉल्यूशन करते हैं A1B2 माइनस B1A2, यही हमारा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। ठीक है, और कैसे डिनोट करते हैं हम डिटरमिनेंट को, आइदर DET लिख के और या फिर इस तरीके से, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए। लेकिन जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात आएंगी, तो आप इस वाली चीज को कभी मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। और जब भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ओनली, एक नोट लिखिए यहां, ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या हो सकता है, डिटरमिनेंट होगा, हैज डिटरमिनेंट। आज थोड़ी जो है तबीयत जो है ठीक नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा एनर्जी कम लग रही होगी, लेकिन आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या है, किस लिए फाइंड करते हैं, यूनिकनेस निकालने के लिए किसी भी सिस्टम की। अगर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, यूनिक का मतलब आपको समझ में आ गया कि इस कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज होंगी और वो सिर्फ सिंगल होगी, मतलब कैसे कि एक्स की वैल्यू अगर 1 है और तो वाई की वैल्यू 2 होगी, इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तैयार हैं आप सब? ठीक है, चलिए देखिए, अब दिख रहा होगा यहां से। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 1, 2, 4 -1 और 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका, ये कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे बोला गया फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू पूरा मैट्रिक्स को मॉडुलस के अंदर रिप्रेजेंट करो, -1 और ये 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ओके, पेन दूसरा ले लेता हूं मैं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, वैसे तो दिख रहा है। ठीक है, देखो अब हमें इसका क्या निकालना है, मैं इसे एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर देता हूं कि A11 A12, ये चीज तो आपको आ गई होगी अब तो, क्योंकि आप मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं, A21 और A22। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2 2 जो 4, तो 4 आया, यह माइनस का साइन लगाया। ठीक है, उसके बाद 4 into -1, तो क्या आएगा, -4, तो क्या हो जाएगा, ये 4 plus 4, तो कितना आ गया हमारे पास, 8। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है वो 8 है। बहुत इजी सा एग्जांपल है, लेकिन आपको शुरुआत है क्योंकि, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं जो हमेशा पूछा जाता है, जो यूज भी होगा पूरे डिटरमिनेंट में, एग्जांपल नंबर 2। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, मैं डायरेक्ट जो है इसके डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूं,
थ्री माइनस फोर और फाइव, वन वन माइनस टू और यहाँ टू थ्री और वन, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब मैट्रिक्स पता चल गया आपको कौन सी, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो डिटरमिनेंट जब थ्री क्रॉस थ्री की बात आती है तो इसे जो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं कि आइधर हम रो वन के अलोंग एक्सपेंड करें, रो टू के अलोंग एक्सपेंड करें, या फिर रो थ्री के अलोंग एक्सपेंड करें, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉलम वन के एक्सपेंड अलोंग एक्सपेंड करें। मैं एक्सपेंड बोलना चाह रहा हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रही हो, एक्सपेंड, ठीक है, बताता हूँ वो क्या वर्ड होता है, अगर हम कॉलम टू के या फिर कॉलम थ्री के। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक से होता है, जो एनसीईआरटी में भी जो बेसिक रूल है वो कहता है कि एक्सपेंड अलोंग आर वन। अभी धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और 480 पे ही वीडियो देखा करो, क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ जब ही दिखेगा आपको 480 पे भी, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है अलोंग आर वन, तो यानी कि ये जो रो है 3 माइनस 4 और 5। तो सबसे पहले क्या नियम कहता है, मैंने ऐसे लिखा डिटरमिनेंट, अब मुझे एक्सपेंड करना है रो आर वन के अलोंग, तो रो वन का जो पहला एलिमेंट है क्या है, 3, ठीक है। 3 से भी पहले अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, ये हमारा A11 है, ये हमारा A12 है और ये A13 है, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, A11, A12 और A13, ठीक है, क्लियर है, विजिबल हो रहा होगा, A11, A12, A13, A11 हमारा 3 है और A12 हमारा -4 है और A13 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, जो रूल है मैंने लिखा -1 का होल, अब हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले एलिमेंट का क्या मतलब है, A11 मैं सर्कल कर देता हूँ, ये A11 जो है, तो इसमें पहली रो है और पहला ही कॉलम है, यानी 1+1, ठीक है, -1, 1+1, ये 1+1 कहाँ से आया, एक बार मैं जो यहां पे लिख देता हूं आपको ताकि क्लियर हो, इधर रफ वर्क बना के, कि जो A11 है इसके जो 1 है ना हमारे, और थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि दिख जाए, A11 इसका 1 ऐड किया और इसका 1 ऐड किया तो ये आया 1+1, ठीक है। उसके बाद पहला एलिमेंट लिखा 3, ये चीज 3 लिखी, ठीक है। फिर नाउ अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से छिपाना है मैट्रिक्स को कि हमने ये चीज पहला ये हटाया, ठीक है, और इधर उंगली लगाई, तो आपको क्या क्या दिख रहा है, अभी देखो सिर्फ 4 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, 1, -2, 3 और 1, समझ में आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से ढकना है। अभी तो मैं पेन लगा रखा है, आपको उंगली लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे, ये हटा दो ये वाले, तो 1, -2 और 3 और 1, 1, -2, 3 और 1, ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत सारी चीजें तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर जाओगे तब इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर इसके बाद हम, क्योंकि हम रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस, अब आर वन में जो है पहली रो का और दूसरा कॉलम, ठीक है, पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी A12 की बात करते हैं, फिर से मैंने -1 लिखा और 1+2, क्योंकि पहली रो दूसरा कॉलम जो है A12 लिखा है, ठीक है। अब फिर से एलिमेंट लिखो -4, जैसे यहां 3 लिखा था ना, ऐसी अब की बार -4 की बारी है, यानी कि यहां लिखा मैंने -4 और फिर से मैं ये डिटरमिनेंट का साइन बनाया, ठीक है, यहां तो रफ वर्क चल रहा है, ये अलग है बिल्कुल, ये चीज क्लियर है। अब कैसे करेंगे, -4 है, अब -4 की तरफ जो है आप ऐसे उंगली रखिए, ये वाली रख दी, अब इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, तो कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 1, -2, 2 और 1, यानी कि ये वाला, ये और 1, ठीक है। तो कौन कौन से लेंगे इसमें, 1, -2, 2 और 1, शुरू में आपको कंफ्यूजन लग सकती है लेकिन एक बार समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। अब हमने पहले वाला एलिमेंट लिया रो वन का, फिर दूसरे के लिए गया, अब तीसरे की बारी, यानी अब मैं, क्योंकि हम इसे सीधा भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन लगाया, अब की बारी किसकी है, इसकी, फाइव की, और ये क्या है, A13, यानी कि
माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री। एक क्वेश्चन को इसीलिए बहुत अच्छे समझा रहा हूँ ताकि आपको जो क्लियरली अंडरस्टूड हो, वन प्लस थ्री, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री। अब ये क्या है, फाइव है, यहाँ फाइव लिखा, फिर से साइन बनाया। आपकी बार हमने बिल्कुल फाइव के नीचे जो है इस तरीके से ढक लेंगे फाइव के सारे एलिमेंट्स को, और अब यहाँ वाला ढक दिया। तो कौन कौन से दिख रहे हैं, वन वन टू और थ्री, वन वन टू और थ्री, ठीक है, ये चीज क्लियर है, देख लो एक बार। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने डिटरमिनेंट लिखा माइनस वन की, ये वन प्लस वन होगा, यानी वन प्लस वन इज टू, माइनस वन का स्क्वायर ये वन ही रहेगा, और यहाँ थ्री ले लिया मैंने, ठीक है। अभी एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको एक स्टेप बतानी है तो फिर से ऐसे ही छोड़ता हूँ इसे, वन। फिर माइनस वन की पावर थ्री है यहाँ, माइनस वन की पावर वन प्लस टू इज थ्री, तो ये माइनस वन की पावर थ्री क्या होगा, माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस फोर, तो क्या हो गया, प्लस का फोर, और प्लस का साइन पहले से ही था, तो यहाँ प्लस फोर आया, और वन लिखा, माइनस टू लिखा, टू और वन, ठीक है। अब माइनस वन की पावर क्या है, थ्री प्लस वन, यानी कि ये फोर है, तो ये तो इवन नंबर है, और जब भी माइनस वन की पावर में इवन नंबर होता है तो वही हमारा पॉजिटिव निकलता है, तो प्लस फाइव लिखा, वन वन टू और थ्री, ये चीज क्लियर है, ठीक है। बस अब सॉल्व करना रह गया, अब मैंने थ्री लिखा। अब जैसे टू क्रॉस टू मैट्रिक्स सॉल्व करते थे, वन इंटू वन इज वन, थ्री टू जा सिक्स, माइनस का सिक्स, और लेकिन माइनस साइन पहले से होता है तो प्लस का सिक्स, प्लस फोर, वन इंटू वन वन रहा, और टू इंटू टू इज माइनस फोर, और माइनस का साइन पहले से होता है तो प्लस फोर, और प्लस फाइव लगाया, थ्री वन जा थ्री, और ये टू हो गया। नाउ अब आपको दिख रहा होगा सिक्स प्लस वन इज सेवन, और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, फोर प्लस वन इज फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, प्लस थ्री माइनस टू इज वन, और वन इंटू फाइव इज फाइव, तो ये क्या आ गया हमारा, बीस और इक्कीस हमारे फोर्टी वन, और प्लस फाइव फोर्टी सिक्स, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर हो गया ये, ठीक है, ये चीज क्लियर है। मैंने आपको एक्सपेंड कैसे करके बताया, अलोंग द रो आर वन, आपको सिर्फ एक ही रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, वो आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं एक्सपेंड करके बताता हूँ आपको कॉलम वन के अलोंग, ठीक है, जो हमारा कॉलम वन है इसके अलोंग एक्सपेंड करके बताता हूँ, और आंसर हमारा 46 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस कॉलम सी वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, चीज दिखनी होगी, अब दिख गया, ठीक है, सी वन के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है, ये फाइव है हमारा, माइनस फोर थ्री, और ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, और हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमने ए लिखा ऐसे, ठीक है। अब हम कॉलम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ए वन वन है, ये हमारा ए टू वन है, और ये हमारा ए थ्री वन है। जिस भी कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं उन्हीं के हमें एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, देखो 480 पे भी देखना, नहीं तो दिखेगा नहीं। पहला एलिमेंट लिया थ्री, बेसिक रूल क्या था, माइनस वन प्लस वन प्लस वन, यानी कि ये टू हो गया, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, और एलिमेंट मैंने थ्री ऐसे लिखा, ठीक है, और इसका मैट्रिक्स पे हमें डिटरमिनेंट बनाना है, तो थ्री के अलोंग हमने थ्री को ऐसे ढका और ये चीज ऐसे रखी, ठीक है, तो क्या क्या आ रही है हमारी, वन माइनस टू थ्री, और ये वन हो गया, ठीक है, प्लस। अब हमें क्या करना है, पहले हम रो वन ले रहे थे, अगर कॉलम वन लिया है तो इस कॉलम वन में जो दूसरी रो का पहला एलिमेंट जो है ए टू वन है, यानी माइनस वन की पावर टू प्लस वन, टू दो और एक तीन, यानी तीन हो गया, और यहां मैंने वन लिख दिया ऐसे के ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर से मैंने डिटरमिनेंट बनाया, अब वन है ये, अब इसे कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए ये वाली चीज कैसे फाइंड करोगे, कैसे कि जो भी हमने एलिमेंट लिया उसे ऐसे ढक्का, ये लाइन आ गई, ठीक है, और अब ये वाली उंगली लगा दो यहां पे। अब कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको माइनस फोर फाइव थ्री और वन, माइनस फोर फाइव और थ्री और वन, ठीक है। अब आगे देखो प्लस, अब इसके अलोंग आ जाओ टू लिखना, यानी माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, अगर ए थ्री वन ले रहे, थ्री प्लस वन क्या होता है फोर, और कौन सा एलिमेंट है टू, और अब की बार लिखेंगे
जो इसका डिटरमिनेंट फॉर्म होगा, 2x2 मैट्रिक्स जो है, अब 2 है, 2 का लॉन्ग ऐसे रखा और इसे ऐसे रखा, कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, -4, 5, 1 और -2, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बस अब सॉल्व करना है, -1 की पावर स्क्वायर तो ये तो +1 हो जाएगा 3, और इसे भी सॉल्व करो डायरेक्टली, 1 माइनस 1 1, फिर माइनस 3 2 6 यानी कि -6, ये चीज क्लियर है, ठीक है। प्लस -1 की पावर ये क्यूब, ये तो -1 हो जाएगा, तो मैं इसे प्लस काट के माइनस ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, और 1 इधर रहेगा, -4 × 1 = -4, माइनस का साइन लगाया, 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर -1 की पावर 4, ये तो +4 + 1 रहेगा क्योंकि इवन पावर है, यहाँ +2 लगाया और इधर फिर से ब्रैकेट, इसे सॉल्व किया, 2 × 2, -2 × -4 = +8 - 5, ठीक है, ये चीज क्लियर है। आंसर कितना आना चाहिए था हमारा, 46, देखते हैं 46 आएगा कि नहीं, अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो आंसर 46 ही आएगा, कुछ गड़बड़ होगी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया, -7 6 + 1 = 7, यहाँ चलो 7 ही लिख देता हूँ, -1 और ये 15 × 4 यहाँ 19 -19 +2 और 8 - 5 = 3, ठीक है, तो 7 × 3 = 21, -+ हो गया तो 19 लगा, +3 × 2 = 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, देखो कैसे करें, 19 और 6 = 25, 25 और 21 कितने हो गए, 46, ठीक है, फिर भी ऐड करके आप देख लेना, 46 ही आएगा, 5 + 1 = 6 और 2 + 2 = 4, तो 46 हमारा आंसर आया, ठीक है। बस आपको बताने का मैं जरूरत थी कि किस तरीके से हमें डिटरमिनेंट निकालना है, आप सिर्फ सिंपल ही इस वाली रो के अलोंग एक्सपेंड करो, ठीक है, रो वन के, और आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन ये अब अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एक और इक्वेशन मैं आपको लिख के बताता हूँ कि क्या है, देखो पूरी जो एक्सरसाइज 4.1 है बिल्कुल इसी चीज पे बेस्ड है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो चीज भी कि किस तरीके से क्वेश्चन है उसमें, मुझे आपको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पूरा सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और जो ये जो मैंने मेथड बताया है, कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करो या रो वन के, आपको सिर्फ एक ही बार एक्सपेंड करना है, यानी रो वन के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट का, ऐसा नहीं है कि हर कॉलम के साथ हर रो के साथ कर रहे हो, सिर्फ एक ही बार एक्सपेंड करना है, ठीक है, वही हमारा डिटरमिनेंट होगा। 2x2 का तो बहुत आसान रहता है, इसी तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे होंगे स्टार्टिंग में कि साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, या फिर यहाँ कॉस एक्स होगा और यहाँ माइनस साइन एक्स होगा, तो ये चीज आपको बिल्कुल एक्सपेंड कर सकते हो, मल्टीप्लाई करी और आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसा भी होगा जरूर, x²-1 x²+x, एक्स होगा या x³ होगा, तो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा बीच में माइनस का साइन पुट करके, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, 4.1 खत्म होने वाली है, कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि मैंने लिखा 101 और 002589, ठीक है, अब आपको पता है कि ये हमें मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स ए का, तो आप ऐसा मत करना कि अब इसमें जो है, चलो इसे 9 मान लो, है ना, ये 9 है, लेट अस सपोज ये 9 है, तो इसमें अब आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें दो एलिमेंट्स जीरो हैं, एक ही कॉलम में दो एलिमेंट्स जीरो हैं, तो मतलब अगर आप इसे कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो आंसर जो है बहुत इजीली आ जाएगा, सिर्फ एक ही बार आपको यूज अपनी कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेगी, दूसरी और तीसरी मैट्रिक्स में तो जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होनी है, तो जीरो आ जाएगा तुरंत ही, सिर्फ ये चीज रह जाएगी। तो आपको ये चीज भी देखना है कि एक्सपेंड करते वक्त अगर किसी रो या कॉलम में दो एलिमेंट जीरो हैं तो आपको उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है, अगर मान लो यहां भी जीरो हो जाता तो पूरा डिटरमिनेंट ही जीरो है, आंसर ही जीरो है इसका, तो ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 4.1 का 7th का सेकंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है, बस आपको एक जो है तरीका बताना है, मतलब एक क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन है,
एक्स थ्री, टू एक्स और फाइव। ये चीज क्लियर है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, ये दोनों के डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं, तो फाइव टू जा टेन, फोर थ्री जा ट्वेल्व। ये याद रखना बीच में माइनस का साइन होता है, और यहां पे फाइव एक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स, डायरेक्ट कर दिया, टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू और ये माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू। तो आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज जो है बिल्कुल ईजी है, समझाने का जो मतलब था वो आपको डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है वही चीज बतानी थी, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स। छह प्रॉपर्टी हैं, आपको क्या करना है अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो जल्दी से, और हर एक प्रॉपर्टी को जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वो चीज आप उसमें लिखते जाना, ठीक है, कि आपको प्रॉपर्टी जो है इजिली अंडरस्टूड हो जाए। चलिए प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। अब जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में किस तरीके से दे रखा है। जो आपने अभी सीखा मेथड बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर एग्जांपल थ्री देखते हो आप, अगर विजिबल है तो वैसे साफ दिख रहा होगा, तो हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा, मतलब एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए पूछा है, बोला गया है, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखो कि इवेल्युएट करना है, और इसमें जो कॉलम थ्री है दिख रहा है, कॉलम थ्री 400, तो इन्होंने क्या किया कॉलम थ्री के अलोंग एक्सपेंड कर दिया इसे। अब एक्सपेंड करने से होगा क्या, देखो अब हम जब आप बार बार जब सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है कि माइनस वन की पावर वन प्लस टू है कि माइनस वन की पावर टू प्लस वन है, इस तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज़ देखो, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था कि फोर लिखा तो फोर से पहले यहाँ क्या आना चाहिए था, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये जो फोर है ये यही तो एलिमेंट है ए वन थ्री, है ना, ए वन थ्री। तो हमें हम पहले से अंडरस्टूड होंगे कि वन प्लस थ्री फोर होता है और माइनस वन की पावर क्या है फोर है, तो वो हमेशा प्लस वन ही आएगा, तो इन्होंने लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जो ये प्लस फोर ले लिया ना यहाँ पर जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, फोर ले लिया, सिंपल डायरेक्ट फोर ले लिया, तो ये चीज़ समझ जाओ। अब बीच में जो माइनस आएगा, यहाँ जो माइनस आ रहा है जीरो से पहले आपको माइनस दिख रहा है, वो हमेशा याद रखना कि बीच वाले एलिमेंट्स में आएगा इसमें। जैसे यहाँ क्या है ए वन, कितना है ये ए वन टू है, ए वन टू है ना, क्योंकि माइनस वन की पावर वन प्लस टू होती है और वन प्लस टू इज थ्री, तो माइनस वन की पावर क्या हो गई थ्री, तो माइनस वन की पावर थ्री यानी माइनस वन, इसीलिए यहाँ पर जीरो के साथ माइनस आया है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और इस वाले जीरो के साथ प्लस आया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जब आप खुद से इसे अच्छे से सॉल्व करोगे। चलिए अब चलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे। आपकी एक्सरसाइज आपने देख ली होगी, ये मैं पीडीएफ भी दे दूँगा आपको ग्रुप पे जिनके पास बुक नहीं है अवेलेबल। देखो बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी फर्स्ट हेडिंग डाल लो जल्दी से, पी वन लिख लो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ये कहना ये चाह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी अगर हम उस मैट्रिक्स की कॉलम्स को या फिर रोज को चेंज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वही चीज़ अच्छी है, देखो कैसे। मान लो कि पहले ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट इन्होंने निकाला, आया -28, डिटरमिनेंट निकालना तो अब आपको आ ही गया होगा। अब इन्होंने क्या किया कि जो अगली जो डेल्टा वन दे रखा है ना, ये जो है इसमें चेंज कर दी हमने, क्या रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिए, यानी इसका ट्रांसपोज कर दिया। ध्यान से देखो, जो हमारा कॉलम था जो रो थी 2 3 2 -3 5, वो अब यहाँ पर क्या बन गई, कॉलम बन गई 6 0 4, यहाँ पर क्या बन गया, ये कॉलम बन गया 1 5 -7, जो यहाँ पे रो थी अब वो इधर कॉलम बन गया। अब हमने वापस से जब डिटरमिनेंट निकाला डेल्टा वन का, तो सेम क्या आया, -28 आया। तो प्रॉपर्टी जो है पहली वाली यही कहती है कि अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जल्दी से लिख लो ये, या फिर बाद में भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं,
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब पहले क्या कर रहे थे हम, रो को कॉलम करा बना रहे थे या फिर कॉलम को रो बना रहे थे पहली वाली प्रॉपर्टी में। अब क्या कर रहे हैं कि सिर्फ मान लो रो है, मान लो कि ऐसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 10 और 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसका कोई क्या निकाला, मैंने मैट्रिक डिटर्मिनेंट निकाला, मतलब इसका मान लो लेट अस सपोज, निकाला नहीं है सपोज, मान लो इसका आया था 20, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2, 3, 4 है मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब कैसे कि 4, 6, 8 लिखा और यहाँ 2, 3, 4 लिख दिया, यानी कि दो कॉलम्स को चेंज कर दिया, पहले वाले कॉलम को दूसरे वाले कॉलम से चेंज कर दिया और इसे इधर 9, 10, 1 ही रखा, ठीक है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी 2 कहती है, जो पहले डिटर्मिनेंट का साइन जो +20 आया था, अब वो -20 हो जाएगा, -20 साइन चेंज हो जाएगा, बेसिकली कहने का मतलब ये है, यही प्रॉपर्टी 2 कहती है, ठीक है। कैसे, देखो ये एग्जांपल लो 2, -3 और 5 का, 6, 0 और 4 का, 1, 5, -7 जो दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो -28 आया। अब हमने क्या किया, रो 2 को और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने का मतलब है अदला बदली कर दी, रो 2 जो थी अब वो 3 बन गई और जो रो 3 थी अब वो रो 2 बन गई। अब जब उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वैल्यू क्या आई, पहले -28 आ रही थी और अब +28 आ रही है। यही चीज़ आपको समझनी है। प्रॉपर्टी 2 समझ में आई, 1 बहुत ईजी है, 2 समझ में आ गई होगी, अब 3 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी बहुत आसान है, लेकिन आपको करना क्या है, ये यूज़ होंगी जब आप आगे एक्सरसाइज में करोगे। और अगली जो एक्सरसाइज है 4.2, क्वेश्चन जो है आने ही आने होते हैं बोर्ड्स में आपके, में एक क्वेश्चन इस तरीके का जिसमें लिखा होगा कि आपको डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है बट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अब ये क्या बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है, ये क्या कहती है कि अगर मान लो कि मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी 1, 2, 1, 1, 1 और इधर लिख दिया 8, 8 रुकिए एक मिनट, दोबारा से एग्जांपल लेता हूँ, देखो 1, 2, 5 एक मिनट रुकिए, थोड़ा नेटवर्क इशू है, हाँ आप ठीक है। देखो एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने 1, 1, 1 और ये 2, 5, 6 और यहाँ 1, 1, 1 ले लिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इसमें पहले वाला कॉलम और तीसरे वाला कॉलम दोनों सेम है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो मान लो कि इसका डिटर्मिनेंट मानना क्या है, 0 होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3। अगर कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स की, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर दो कोई भी दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स की जो है वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, यानी एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। बहुत साधारण सी है ये, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 दे रखा है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, देखो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द कॉन्स्टेंट के देन इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाई के ऑल्सो। कैसे, देखो इसके एग्जाम्पल से करते हैं इसे, एक मिनट रुकिए, एग्जाम्पल से पहले जो इसका मेथड दे रखा वही चीज़ देख लेते हैं। देखो किया क्या है, मान लो को ये मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स की जो इधर दे रखी, पहले यहाँ देखो एरो गलत बन गया, यहाँ देखो पहले इस वाले मैट्रिक्स में पहली वाली रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब के से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई कांस्टेंट है कि कुछ भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो के इंटू डिटर्मिनेंट होगा, यानी जो भी कोई डिटर्मिनेंट आ रहा था पहले, मान लो कि इस वाली मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट था, मान लो 5 था इसका डिटर्मिनेंट, और मैंने क्या किया
तो मैंने क्या किया इसमें, अगर इसका जो है 5 था, ठीक है, और मैंने इससे जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी मतलब 5 से नहीं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, मैंने 5 कांस्टेंट ही ले लिया वैसे तो, क्योंकि दोनों से, एक मिनट यहाँ पर जो है दिक्कत आ रही, जब मैं सर्कल करता हूँ तो ऊपर वाला पेज आ जाता है, अब ठीक होगा। अब मान लो कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है, ठीक है, अब मैंने इससे जो है k से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि जो भी कोई डिटरमिनेंट होगा उसकी मल्टीप्लाई k से हो जाएगी, जो हमने कांस्टेंट स्टार्टिंग में पूरी रो से मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है, तो k इंटू डेल्टा हो जाएगा। एग्जांपल से और देखते हैं, देखो ये एग्जांपल दे रखा है 102, 18 और 36, पहली रो में आपको दिख रहे होंगे एलिमेंट्स। अब मैंने क्या किया इसमें से कुछ कॉमन निकाल लिया, क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से, देखो 102, 18 और 6 में से 6 कॉमन निकाल लिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये चीज़ जो है 6 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 17 छिक्की 102, 6 18 और 6 छिंग 36, ठीक है। अब कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने का मतलब ये बाहर ले लूँगा अब मैं इसे 6 से, 6 जो है बाहर निकाल लिया और मैट्रिक्स को ऐसे के ऐसे लिखा, ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 1736 और 1736 दोनों रोज इक्वल हैं, यानी R1 और R3 इक्वल हैं। जब भी दो रोज या दो कॉलम्स बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल हो जाएं, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ चीज़ ये भी लिखी है, प्रॉपर्टीज़ 3 और 4, ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, जल्दी जल्दी भाई लिखते रहना जैसे समझ में आए, और पहले रफ में करना अपना काम जो भी हो, और आपको ये कॉपी में लिखनी है सारी प्रॉपर्टीज़ जो है। प्रॉपर्टी 5 कौन सी कहती, क्या कहती है कि इफ़ सम और द ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, द टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। कैसे, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को मैं दो इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो इक्वल टू के बराबर में लिखा है ना, A1 B1 C1 यहाँ जो लिखा, फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3 ऐसे कैसे लिखा, लेकिन अगली जो मैट्रिक्स लिखी है प्लस करने के बाद, ये जो यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है ना, ये है Lambda 1 Lambda 2 Lambda 3, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें अलग से लिख दिए और साइन जो है प्लस का लगा दिया, और B1 B2 नीचे वाली जो Row 3 और Row 2 है वो बिल्कुल सेम है, देख लो चाहे तो, सेम मतलब कि दोनों तरफ इनमें सेम है, वैसे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल कैसे होगा इसका, देखो कैसे, ये मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें और इसका डिटरमिनेंट पूछा है, पूछा नहीं है, शो करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ जो जीरो लिखा है ये, ठीक है, बोर होने लगोगे टेंशन मत लो, बस एक प्रॉपर्टी रह रही है, फिर खुद से स्टडी करना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। A+2x और x, अब मैंने क्या किया इस 2x को अलग से लिख लिया, देखो पहले ये लिखा ABC, यहाँ देखो आप ये जो मैट्रिक्स है पूरी, इसको यूज़ किया प्रॉपर्टी नंबर 5, और कैसे, ABC मैंने पहली रो में लिखा, फिर दूसरी रो में ये जो दूसरी रो इसमें ABC रखा, सिर्फ ABC ये वाला जो है, ठीक है, और तीसरी में XYZ हो गया, वो आपको दिख ही रहा होगा। जब आपने प्लस करके लिखा तो यहाँ ABC आया और इधर 2X 2Y 2Z, ये वाले 2X 2Y और 2Z अलग से लिख लिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दो रोज इक्वल हैं R1 और R2, तो ये डिटरमिनेंट तो जीरो हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखोगे, दूसरी तरफ भी ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से इस वाली मैट्रिक्स में से 2 कॉमन ले लूँ, बाहर निकाल लूँ 2, रो 2 में से, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ XYZ, और इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई प्रॉपर्टी नंबर 5, देख लो अच्छे से क्लियरली। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी प्रॉपर्टी है, एक मिनट, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहाँ है, ये रही प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो इसे कैसे करेंगे। इफ
ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडिड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैंने इसमें एक ऑपरेशन लगाया, मैट्रिक्स ऑपरेशन जो आपने पढ़ा था ना इनवर्स निकालने के लिए पहले वाले चैप्टर में, वैसा ही लगाया जो ये चीज़ लिखी है, आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस के आर थ्री, पहली रो को चेंज करो आर वन प्लस के आर थ्री, ठीक है, तो ये चीज़ वैल्यू आ जाएंगी। ये चीज़ क्लियर है आपको, ऑपरेशन हमने ये वाला लगाया, ये जो है जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी सिक्स के अकॉर्डिंग इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू जो डेल्टा है और डेल्टा वन की वैल्यू दोनों की सेम होगी, यानी कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन होगा, ठीक है। अब इसका जो यूज़ होगा इन प्रॉपर्टीज़ का, अब हम अगले जो एक्सरसाइज है 4.2 में करेंगे। आपको प्रॉपर्टी सिक्स समझ में आ गई कि डिटरमिनेंट दोनों के इक्वल होंगे। इसका एग्जाम्पल जो दे रखा है कुछ इस तरीके से है, देखो ये एग्जाम्पल है, हमें प्रूफ करना है इसमें इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब हमने ऑपरेशन क्या लगा दिया, आर टू टेंड्स टू आर टू माइनस टू आर वन और आर थ्री टेंड्स टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन। यही ऑपरेशन क्यों लगाया, क्योंकि हमें इस डिटर्मिनेंट को ईजिली सॉल्व करना था, और जब भी डिटर्मिनेंट्स ईजिली सॉल्व करने की बात आती है तो ये करना होता है हमें कि किसी भी रो, किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम के दो एलिमेंट्स को जीरो बना दो। तो ये जीरो बन गए ना, यहाँ पे जीरो जीरो बन गए, ठीक है, और सिर्फ ए बचा। जब आप अभी से एक्सपेंड करोगे ए के अलॉन्ग, इस वाली रो के कॉलम के अलॉन्ग, तो सिर्फ ए वाली वैल्यू यूज़ होगी और बची हुई वैल्यूज जीरो जीरो हो जाएंगी, तो हमारा प्रूव हो जाएगा ए क्यूब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बस प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रट लेना क्योंकि आगे जो है यूज़ होंगी। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब तक के लिए आप जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को और एक्सरसाइज 4.1 को अपनी कॉपी में लिख लो, और हर एक प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के साथ लिखना, ठीक है, जैसे जैसे मैंने समझाया है, और थोड़ा बहुत अगर कहीं भी ना समझने की गुंजाइश रह जाती है तो वो यही कारण है कि आप जो है खुद से जब सॉल्व करेंगे जब ही होगा। याद रखना हमेशा ही, चाहे कोई कितना ही पढ़ा ले आपको, मैं हूँ या कोई आप यूट्यूब से और कहीं से पढ़ते हैं, जब तक आप खुद से वो चीज़ लिख के नहीं देखेंगे, कंसेप्ट अपने दिमाग में नहीं बनाएंगे, जब तक आपको जो है चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। और किसी पे कोई जो है भरोसा नहीं करना है कहीं से भी, अपने जो है खुद के नोट्स बनाओ अच्छे से, ताकि हाँ लगे कि तुमने पढ़ाई करी है। और पढ़ाई करने के साथ साथ जब आप इन नोट्स को खुद से रिवाइज करोगे ना, तो बहुत इजीली रिवाइज हो जाएंगे और चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। तो बेटर है कि ना तो मेरे नोट्स पे डिपेंड रहना या किसी और के पे, बस सिंपली हम तो बस आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है, और आपको नोट्स जो है खुद ही बनाने हैं। जितने अच्छे नोट्स, जितनी अच्छी पढ़ाई खुद से करोगे, आपकी बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। ट्वेल्थ में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, मैक्सिमम जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनकी 90+ तो आने ही चाहिए, पूरी ओवरऑल ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 90% मार्क्स, और हर सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो उसका जो एक ही मूल मंत्र है, खुद से सेल्फ स्टडी, जितनी कर सकते हो खुद से सेल्फ स्टडी करो। और हम मिलते हैं, बहुत ज्ञान हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।